स्टूडेंट आज हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और अगर ये वीडियो देखते हो पूरी तरह से ना तो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम आज से खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ये श्योर है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद साइन कन्वेंशन देखो तुमको कैसे समझ में आता है। साइन कन्वेंशन मतलब ये है कि आप लाइट का जो चैप्टर पढ़ते हो तो जब न्यूमेरिकल लगाने जाते हो तो न्यूमेरिकल में देखो कौन कौन से टर्म आते हैं। एक आता है यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है भी, भी क्या है इमेज डिस्टेंस। फिर आता है एफ, एफ क्या है फोकल लेंथ। और आप जानते हो कि सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करते हैं। जैसे मान लो एक मिरर है, कौन सा मिरर हमने लिया है, कौन सा मिरर है जल्दी बताओ, सोचो जल्दी इसको, ये है कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर। तो ये है कॉनकेव मिरर का पोल, तो जो भी डिस्टेंसेज मेजर किए जाएंगे वो कॉनकेव मिरर के पोल से मेजर किए जाएंगे। तो ये हुए आपके डिस्टेंसेज, ठीक है। फिर इसमें आता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हुए हाइट। तो जब साइन कन्वेंशन तुम पढ़ोगे तो डिस्टेंस के लिए अलग से साइन समझो और हाइट के लिए अलग से साइन समझो। तो हाइट में अगर तुमको साइन यूज करना होगा, साइन माने प्लस माइनस यूज करना होगा, तो हाइट के लिए तुम चुपचाप अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। जैसे वाई, देखो वाई एक्सेस माने वर्टिकल होता है ना, हाइट वर्टिकल होता है और एक्स एक्सेस क्या हॉरिजॉन्टल, वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट या इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस। और ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये इरेक्ट है सीधा है इसके लिए प्लस, ये इनवर्टेड है उल्टा है इसके लिए माइनस, ठीक। अब आओ, जो यू भी और एफ जो डिस्टेंस है, हाइट का साइन तो तुम समझ गए, अगर ऊपर होगा तो प्लस नीचे होगा तो माइनस, किसी का भी हाइट हो चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, उसी को एक सेंस में और समझ सकते हैं। अगर इरेक्ट है सीधा है, सीधा है और प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, सीधा है और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो प्लस, और उल्टा है और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है तो क्या होगा, माइनस। डिस्टेंस के लिए देखो कैसे समझोगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड फॉर डिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लो ये मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। एक चीज के लिए जो होगा वही, जो साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए होगा वही साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, और वही साइन कन्वेंशन लेंस में भी काम देगा, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है, एक ही हर जगह अप्लाई होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझो। और यू भी एफ के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यू भी एफ के लिए किसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करते हैं, तो वो हम डिसाइड करते हैं लाइट रे के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइट रे। जैसे देखो यहां अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज जब आप बनाते हो, इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक में उसको भी मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा अगर नहीं समझे होंगे तो। तो जब यहां से इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे तो लाइट रे निकल के जाती है ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो निकल रही है तो रे के डायरेक्शन में जो जो डिस्टेंसेस पढ़ेंगे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे, उनको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्टेंसेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे, इनको क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो पहले समझो रे का डायरेक्शन का क्या मतलब और उसके अगेंस्ट का क्या मतलब है। तो जैसे मिरर है ना और रे ऑब्जेक्ट यहां है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रे के पीछे होता है, तो यहां से जब रे निकल रहा है तो मिरर के इस पार वाला, इधर वाला, ये डायरेक्शन ऑफ रे माना जाएगा, और मिरर के इधर वाला ये अगेंस्ट रे माना जाएगा, ठीक है। तो इधर जितने डिस्टेंस जाएंगे प्लस लिए जाएंगे, इधर जितने डिस्टेंस जाएंगे वो माइनस लिए जाएंगे। और अगर यही हम ऑब्जेक्ट इस तरफ रख दें, इस तरफ, तो अब रे ऐसे आएगा, तो अब जो रे का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रे, अब ये माना जाएगा इस तरफ वाला। जैसे ये जो बीच में मिरर है ना, ये समझो एक पार्टीशन करने वाली लाइन है, ठीक है, ये जो बीच में हम मिरर लगा रहे हैं तो मिरर का ये एक हिस्सा है और ये मिरर का दूसरा हिस्सा है, मतलब मिरर ने इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला। तो यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऐसे आएगा,
तो मिरर के इस पार वाला रे का डायरेक्शन हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो रे अब ऐसे जाएगा, तो इस तरफ वाले डायरेक्शन ऑफ रे हो जाएंगे और इस तरफ वाले अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे हो जाएंगे। तो हमको यह देखना है कि रे, लाइट रे किस तरफ जा रहा है। तो लाइट रे देखो मिरर के इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इधर वाला जो होगा इस तरफ जाएगा नहीं, वो तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। लेकिन इस एरो को देखो, ये एरो किधर बना है, इस तरफ बना है, इस तरफ। तो मिरर के इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, बैक। जैसे अगर ये मिरर है, एक बार ऐसे समझो, फिर से एक बार समझो, ये मिरर है तो इसमें से एक हिस्सा हम मानेंगे फ्रंट मानेंगे और दूसरे हिस्से को क्या मानेंगे, बैक, ठीक। तो अगर रे ऐसे जा रहा है, ये वाला हिस्सा बैक हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। एक उससे भी बढ़िया तरीका देखो इसको, अगर रे ऐसे जा रहा है तो ये वाला हिस्सा फ्रंट और ये वाला हिस्सा बैक, तो फ्रंट की तरफ जितने डिस्टेंस होंगे प्लस ले जाएंगे, बैक की तरफ जितने होंगे सब माइनस ले जाएंगे, ठीक। फिर देखो, अगर रे ऐसे जा रहा है तो ये वाला हिस्सा बैक हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। इधर वाले सारे माइनस लिए जाएंगे और इधर वाले सारे प्लस लिए जाएंगे, ठीक। आओ मैं एक तुमको साइन समझाता हूं इसके हिसाब से। देखो यार, ये मान लो एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो अब इसमें कौन सा हिस्सा फ्रंट होगा, कौन सा बैक होगा, तो ये वाला हिस्सा। तुम जो है ना डायरेक्शन ऑफ रे और अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ रे से बढ़िया फ्रंट बैक याद रखो। डायरेक्शन ऑफ रे इतना बड़ा वर्ड यूज करने से बढ़िया एक शब्द फ्रंट, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे इतना बड़ा शब्द यूज करने, इतना बड़ा एक सेंटेंस ही बन जा रहा है, उससे बढ़िया बैक। तो फ्रंट और बैक आप याद रखो। तो फ्रंट साइड में इसका देखो डायरेक्शन, अब ये फ्रंट बन गया और ये क्या हो गया, बैक। अब तुम जानते हो कॉनकेव मिरर लाइट को क्या कर देता है, फोकस कर देता है, तो लाइट इधर फोकस हो जाएगा, तो जहां फोकस होता है वो फोकस पॉइंट कहलाता है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो फोकल लेंथ होगा। तो अब यहां जो एफ होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, तो बताओ, ये फ्रंट हुआ और ये बैक हुआ, तो बैक साइड में ये फोकल डिस्टेंस बन रहा है, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रंट में डिस्टेंसेस पड़ेंगे वो प्लस होंगे, जो बैक में डिस्टेंसेस पड़ेंगे वो माइनस हो जाएंगे। फिर ऐसे देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर का देखो, तुम जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फोकस नहीं कर पाता है, डाइवर्ज कर देगा, ठीक। अब ये देखो, ये फ्रंट हुआ और ये क्या हुआ, बैक हुआ, तो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी, जब इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तब जाके फोकस होगा। तो अब ये हो गया ना फोकस डिस्टेंस, फोकल लेंथ यही हुआ ना, नाउ दिस इज फोकल लेंथ, यहां ये फोकल लेंथ है, ये फोकस पॉइंट है और ये फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ यहां किसमें पड़ा था, बैक साइड में पड़ा था, तो निगेटिव हो गया। यहां ये फोकस पॉइंट है और ये फोकल लेंथ है, ये फ्रंट साइड में पड़ रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी साइन समझ सकते हैं कि यू का साइन क्या होगा, वी का साइन क्या होगा, एफ का साइन क्या होगा। ओके स्टूडेंट।